सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। रोजगार जिसकी है हर ओर दरकार, जो है बेरोजगार उसकी तो बस यही है गुहार, ना झेले महंगाई की मार, मिल जाए दो चार पैसे का कारोबार। ये समस्या आम है, पर पहली बात इसे खास रूप से दूर करने का प्रयास कर रही है केंद्र से लेकर सूबे तक में बैठी भाजपा की बहुमत वाली सरकार, जिसे अमली जामा पहनाने का भाजपा की बनाई तीसरी सरकार यानी पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय होने पर मेदिनीनगर को भी गर्व महसूस हुआ होगा, जब सैकड़ों युवक युवतियां प्रमंडल के कोने कोने से निकलकर उम्मीद भरे सपने लिए मेदिनीनगर पहुंचे, जहां एक साथ सैकड़ों युवक युवतियों का चयन उनके क्षमता और अध्ययन के बदौलत किया गया। पहली बार प्रशिक्षण पाए पलामू के युवाओं को रोजगार देने का मेला लगाया गया, जहां 750 पदों में 550 लाभुकों का चयन किया गया, जिसे प्रशासनिक महकमा बेहतरीन परिणाम मान रही है। आज कार्यक्रम यहाँ है, प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। इस प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में हमारे तीनों जिले के जो प्रतिभागी आए हुए हैं, ये सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं। 15-16 कंपनियां आई हुई हैं और अधिकांश का चयन इसमें हो जाएगा, और ये सभी अपने अपने जा करके जो प्रशिक्षण लिए हैं उसमें अपना हुनर आजमाएंगे और कार्य करेंगे और परिवार चलाएंगे। बहुत ही कारगर साबित होगा। इसमें एक प्रशिक्षण लेने के बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, और उस सर्टिफिकेट से ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपना जो है वो दिखा सकते हैं और दिखा करके रोजगार पा सकते हैं। इसलिए प्रशिक्षण लेकर के हम लोग अभी राजमिस्त्री का भी जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें भी उनको जो है सर्टिफिकेट देते हैं, और वो जा करके कहीं भी किसी देश के किसी कोने में जा करके और वो काज कर सकते हैं। लोग उसको पहचान लेते हैं, जान लेते हैं कि हाँ इनके पास ये विकास हुआ है। नगर निगम कार्यालय की ओर से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना कितना बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसकी तो बस यही है गुहार, ना झेले महंगाई की मार, मिल जाए दो चार पैसे का कारोबार। ये समस्या आम है, पर पहली बार इसे खास रूप से दूर करने का प्रयास कर रही है केंद्र से लेकर सूबे तक में बैठी भाजपा की बहुमत वाली सरकार, जिसे अमली जामा पहनाने का भाजपा की बनाई तीसरी सरकार यानी पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय होने पर मेदिनीनगर को भी गर्व महसूस हुआ होगा, जब सैकड़ों युवक युवतियां प्रमंडल के कोने कोने से निकलकर उम्मीद भरे सपने लिए मेदिनीनगर पहुंचे, जहां एक साथ सैकड़ों युवक युवतियों का चयन उनके क्षमता और अध्ययन के बदौलत किया गया। पहली बार प्रशिक्षण पाए पलामू के युवाओं को रोजगार देने का मेला लगाया गया, जहां 750 पदों में 550 लाभुकों का चयन किया गया, जिसे प्रशासनिक महकमा बेहतरीन परिणाम मान रही है। आज कार्यक्रम यहाँ है, प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। इस प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में हमारे तीनों जिले के जो प्रतिभागी आए हुए हैं, ये सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं। 15-16 कंपनियां आई हुई हैं और अधिकांश का चयन इसमें हो जाएगा, और ये सभी अपने अपने जा करके जो प्रशिक्षण लिए हैं उसमें अपना हुनर आजमाएंगे और कार्य करेंगे और परिवार चलाएंगे। बहुत ही कारगर साबित होगा। इसमें एक प्रशिक्षण लेने के बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, और उस सर्टिफिकेट से ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपना जो है वो दिखा सकते हैं और दिखा करके रोजगार पा सकते हैं। इसलिए प्रशिक्षण लेकर के हम लोग अभी राजमिस्त्री की तो बस यही है गुहार, ना झेले महंगाई की मार, मिल जाए दो चार पैसे का कारोबार। ये समस्या आम है, पर पहली बार इसे खास रूप से दूर करने का प्रयास कर रही है केंद्र से लेकर सूबे तक में बैठी भाजपा की बहुमत वाली सरकार, जिसे अमली जामा पहनाने का भाजपा की बनाई तीसरी सरकार यानी पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय होने पर मेदिनीनगर को भी गर्व महसूस हुआ होगा, जब सैकड़ों युवक युवतियां प्रमंडल के कोने कोने से निकलकर उम्मीद भरे सपने लिए मेदिनीनगर पहुंचे, जहां एक साथ सैकड़ों युवक युवतियों का चयन उनके क्षमता और अध्ययन के बदौलत किया गया। पहली बार प्रशिक्षण पाए पलामू के युवाओं को रोजगार देने का मेला लगाया गया, जहां 750 पदों में 550 लाभुकों का चयन किया गया, जिसे प्रशासनिक महकमा बेहतरीन परिणाम
मान रही है। कार्यक्रम यहाँ है, प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम होता है। इस प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में हमारे तीनों जिले के जो प्रतिभागी आए हुए हैं, ये सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं। 15-16 कंपनियां आई हुई हैं और अधिकांश का चयन इसमें हो जाएगा और ये सभी अपने अपने जाकर के जो प्रशिक्षण लिए हैं उसमें अपना हुनर आजमाएंगे और कार्य करेंगे और परिवार चलाएंगे। बहुत ही कारगर साबित होगा। इसमें एक प्रशिक्षण लेने के बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और उस सर्टिफिकेट से ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपना जो है वो दिखा सकते हैं और दिखा करके रोजगार पा सकते हैं। इसलिए प्रशिक्षण लेकर के हम लोग अभी राजमिस्त्री का भी जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें भी उनको जो है सर्टिफिकेट देते हैं और वो जा करके कहीं भी किसी देश के किसी कोने में जा करके और वो काज कर सकते हैं। लोग उसको पहचान लेते हैं, जान लेते हैं कि हाँ इनके पास ये विकास हुआ है। नगर निगम कार्यालय की ओर से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना कितना बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये एक अच्छा मैसेज जाएगा हमारे नगर निगम क्षेत्र के लिए। जी, मेदिनीनगर नगर निगम का नाम उसी सूची में दर्ज हो गया जो प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता को बढ़ाकर या कहें कार्य कुशलता बढ़ाकर रोजगार जैसे सबसे अधिक जरूरत को पूरा करने का काम कर रही है। शहरी समृद्धि उत्सव के अवसर पर रोजगार दिलाने के लिए कई निजी कंपनियों को आमंत्रित किया ताकि यहाँ के युवक युवतियों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो जाए, जिसके लिए 3 वित्तीय वर्ष से यानी कि भाजपा ने सरकार के आगमन से जारी है। आपके द्वार के नाम से ये कार्यक्रम आज चलाया गया और ये युवा दिवस को ध्यान में रख के सरकार के निर्णय के आधार पर किया गया है और सही में ये बहुत अच्छा कार्य किया गया और हम लोगों को काफ़ी खुशी हुई कि हम लोगों ने जिन बच्चों को प्रशिक्षण दिलवाया पिछले 2-3 वित्तीय वर्षों में आज उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है। वो रोजगार